बेसिक शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर, लेकिन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 8 जिले ऐसे घोषित कर दिए जहां से कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता और अन्य जनपदों से हर साल ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी एक महिला सिद्धार्थनगर में पोस्टिंग है जिसने पिछले 8 साल से है पोस्टिंग, जिसका दर्द अब सोशल मीडिया पर फूटा। वो अपना वीडियो बनाते समय रोने लगी। एक महिला की प्रॉब्लम नहीं, ऐसी हज़ारों महिलाएं हैं जिनका वहां से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार की गलत नीति के कारण कुछ महिलाएँ वहाँ से 2 साल में ही ट्रांसफ़र ले लेती हैं। अगर किसी महिला का पति प्राइवेट जॉब काम करता है तो वो जिंदगी भर भी वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करा सकती। मैं माननीय योगी जी, माननीय संदीप जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये जो प्राइमरी टीचर हुए हैं, प्राइमरी टीचरों के ट्रांसफ़र हुए हैं, इसमें जो आपने जियो निकाला है कि ये इनको 10 नंबर, जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में, इनको 10 नंबर देने का वेटेज दिया है, उसकी वजह से हम जो लड़कियां 2-2 साल जिनको जिले में आए हुए हो गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग उस जिले में 8 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बस हम लोगों का कसूर इतना है कि हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में करते हैं। प्राइवेट जॉब क्या इतना क्या ये कोई कसूर है? क्या ये क्या कोई ये चोरी डकैती ये सब काम कर रहे हैं हमारे हस्बैंड, जो हम लोगों को कुछ भी वेटेज नहीं मिला? हम लोगों को वेटेज मत दीजिए, सबको बराबर अधिकार दीजिए, जो पहले आया है वो ही पहले जाए, ये नियम होना चाहिए, ना कि जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में करते हैं वो 2 साल में निकल जाए और हम लोग इतने पुराने होकर भी हम लोग बस ये देखें कि वो आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, वो आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, और हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं जा सकते इस हिसाब से, आपके हिसाब से तो जब नई भर्तियाँ आएंगी तो भी वो लोग आएंगी और उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में होंगे वो चली जाएंगी, उनके नंबर हमसे 10 नंबर हमसे ज़्यादा होंगे, और हम जितने साल नौकरी के, हमें 1 साल नौकरी के 1 नंबर मिलते हैं और वो लोग बस उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में उनको एक बार में 10 नंबर मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? सर आप प्लीज़ एक बार इस पर विचार कीजिए, हम लोगों का दुख दर्द समझिए। हमारे जैसी कई लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप तक ये बात नहीं पहुंच रही है। सर आप इस पर विचार कीजिए, एक बार सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये नाइंसाफी सही है? क्या प्राइवेट जॉब वाली, जिनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है, उनको नंबर ना देना या उनके साथ इस तरह भेदभाव करना, क्या ये सही है? अगर किसी के हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी के हस्बैंड सीए हैं, किसी के हस्बैंड गूगल आजकल जैसी कंपनियों में काम करते हैं, नोएडा जैसी सिटी में रहते हैं, और हम इधर सिद्धार्थनगर में हैं, तो हमारे हस्बैंड तो यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो कंपनियाँ हैं नहीं, ना बस्ती में है, ना गोरखपुर में, ना आसपास किसी भी क्षेत्र में कंपनियाँ नहीं है, तो हमारे हस्बैंड यहाँ आ नहीं सकते, तो हमारा ट्रांसफ़र तो वहाँ हो सकता है ना। और केवल मैं अपने लिए ट्रांसफ़र नहीं कर रही हूँ, मेरे बाद वाली लड़कियां तो आराम से लेके जा रही हैं नोएडा, कोई मतलब कोई बुलंदशहर जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई किसी का कहीं ट्रांसफर हो रहा, वो दो उनको 2-3 साल नौकरी लिए हुए हो गए, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ चली गई, और हम लोग इतने पुराने हो गए, 8 साल हो गए हमको, और हम उसी जिले में हैं, और अगर यही जियो रहा, अगर यही 10 नंबर उनको मिलते रहे तो हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे और हम लोग बस यही तमाशा देखेंगे कि वो 2-2 साल वाली आए, 2 साल जॉब करे हुए उन लड़कियों को, और वो चलते बने। सर मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप बैच वाइज ट्रांसफ़र कीजिए, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाए, सर यही नियम होना चाहिए। हम लोगों का कोई कसूर नहीं है सर इसमें कि हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में करते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सर हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बात इसकी नहीं कि हमारे ट्रांसफ़र की बात है, सर हमसे बाद वाले जाएं और हम रह जाएं, बस इस वजह से, इस भेदभाव की वजह से कि मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, ये भेदभाव सही नहीं है सर। आप इस पर विचार कीजिए सर, बस आप इस पर विचार कीजिए सर, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस पर विचार कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं।